अब बढ़ते आगे, जेडीयू में हुए बड़े बदलाव के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। बताइए जा रहा है कि नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद आरजेडी और जेडीयू के बीच खटास बढ़ चुकी है। चर्चाओं के बीच रविवार को बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी, आरजेडी प्रमुख लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान मंत्री तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कयास ये लगाया जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा। जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने रविवार की दोपहर राबड़ी आवास पर वो पहुंचे। बताया भी गया कि लालू यादव ने ही उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। दोनों नेताओं के बीच करीबन 30 मिनट तक बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव और विधानसभा स्पीकर की मुलाकात पर यह साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार लालू यादव के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। लालू अपने बेटे तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नीतीश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह को हटाकर जेडीयू को डूबने से बचा लिया। बिहार में जो सरकार नीतीश कुमार की है वो संतरे की तरह है, ऊपर से ठीक ठाक लग रहा है, भीतर से फांक फांक है। नीतीश कुमार जी एक बार तो ललन सिंह को हटा करके अपनी लुटिया बचा लिया पार्टी की, लेकिन लालू यादव के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुके हैं। लालू यादव जी उनके विधायकों को अपने संपर्क में ही नहीं बल्कि किसी भी दिन उनकी सरकार गिर सकती है। तो बिहार में सियासी घमासान के बीच बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने ललन सिंह और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने कहा कि ललन सिंह को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया और ठीक इसीलिए गुस्से में बदला लेने की नीयत से ललन सिंह ने लालू यादव से नजदीकियां बढ़ाई, बीजेपी से गठबंधन खत्म करवाया, आरसीपी सिंह को पार्टी से किनारे करवाया और जेडीयू को लगभग बर्बाद कर दिया। ये सारा खेल कुर्सी का था। जेडीयू में जिस तरह का जश्न मनाया गया, लड्डू बांटे गए, मिठाइयां बटी, लोग अबीर गुलाल लगा रहे थे, ये दर्शाता था कि ललन सिंह से मुक्ति पा लिया जेडीयू के लोगों ने। ललन सिंह चूंकि केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए, उसका गुस्सा था उनके मन में और उन्होंने नीतीश कुमार को भड़का कर बरगला कर एनडीए का गठबंधन तोड़वा दिया, आरसीपी सिंह को पार्टी से निकलवा दिया और वो लालू से इतने करीबी हो गए, ये जदयू के लोगों को भी अखरने लगा।